नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 6 नवंबर 2019, और यहां पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा उसमें क्या पोजिशन हो सकता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले इंडेक्सेस लगा लेते हैं निफ्टी 50 का, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का आपके सामने चार्ट आ गया, डेली का चार्ट है, कंप्लीट आपके सामने दिख रहा है। और डेली के चार्ट पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों, एक चीज है कि इसने जो प्रीवियस दो दिनों का जो हाई है, उस हाई को पहले आप देख लीजिए। अगर आप इस प्रीवियस हाई को देखेंगे तो 11,990 के आसपास का है, और आज का जो हाई है बिल्कुल 12,200 का हाई। मतलब आज 12,000 को इसने काफी दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद 12,000 को रिक्लेम किया। ये वाली कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ ये तारीख था 11 जून 2019, यानी कि जून मंथ के बाद आज फाइनली इसने 5 महीने के बाद आज इसने लगभग 12,000 को रिटेस्ट किया, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है कि इसने दोबारा से 12,000 को रिक्लेम किया। लेकिन 12,000 के ऊपर क्लोज नहीं किया, ये थोड़ा सा दुखद बात है। क्लोजिंग क्या है, वही 11,966 के आसपास में, 12,000 के ऊपर क्लोज नहीं किया। यानी कि अभी भी वो रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हम लोग कलर को थोड़ा ठीक कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा जी। तो वो जो रेजिस्टेंस था, जो कल हम लोगों ने वीडियो में बात किया था कि 12,000 का जो रेजिस्टेंस है, यानी 11,980 से लेके जो 12,000 का रेजिस्टेंस है, वो अभी भी चार्ट पे अवेलेबल है, चार्ट पे अभी भी अवेलेबल है। कितने का रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जो फिर से हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोग ने कल बात किया था, वो बात किया था 11,980 है ना, से लेके 12,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल, वो अभी भी अवेलेबल है। तो ये जब अवेलेबल है तो हमको इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए हमको इसके ऊपर कैंडल को क्लोज कराना होगा। अगर कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर ना, तो हमें पोजीशन अच्छा मिलेगा। यानी कि 12,000 के ऊपर एक क्लोजिंग कर दे इंडेक्स तो हमारे बड़ा मजा आ जाएगा। आप यहां से देख रहे हैं, ये बिल्कुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है, इसने बिल्कुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है यहां से लेके यहां तक। तो इस आप यहां भी देख पा रहे, इसके पहले भी इसने बनाया, इसने पहले भी, इसके पहले भी इसने कोशिश किया है राउंडिंग बॉटम बना के इसको ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो 12,000 के ऊपर अगर ये निकलता है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, इसका मतलब रेजिस्टेंस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, होना है कि इसको हम शॉर्ट करके बैठेंगे, नहीं, शॉर्ट का कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं है, सारे सिग्नल बाय साइड के हैं, लॉन्ग पोजिशन के हैं। लेकिन अगर 12,000 के ऊपर क्लोज कर दे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये 12,000 के ऊपर निकलता है ना, अगर ये जो रेजिस्टेंस है आर जो मैं हम लोग बात करें 12,000 का एक रजिस्टेंस है, तो हमारे पास जो टारगेट होगा ना, वो कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 पॉइंट के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। यानी कि अगर इस 100 पॉइंट की बात करें तो एक हमें 12,050 का टारगेट मिलेगा और दूसरा हमें 12,100 का टारगेट मिलेगा। ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं बहुत जल्द निफ्टी में, जहाँ तक हम लोग निफ्टी को यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्यों, इसके एक बात फिर से हम चेक कर लेते हैं इसको, इस लेवल को अगेन हम लोग एक बार चेक करेंगे हर तरह से। आप यहाँ पे देखें, एक ट्रेंड लाइन का इसको एक रेजिस्टेंस था, सबसे पहली बात तो इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जबरदस्त तरीके से ऊपर गया। तो यहाँ पर तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस था 11,500 का, 11,500 से लेके 11,600 के आसपास का, ये एक बहुत ही तेज अब इसका सपोर्ट बन गया, बहुत ही हेवी सपोर्ट बन गया 11,500 से 11,600। हालांकि यहाँ पर निफ्टी आएगा नहीं, लेकिन अगर कभी आया घूम फिर के, तो ये इस लेवल को मेरे ख्याल से इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी अच्छे तरीके से निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लाइन को, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, हेवी वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम भी है ना, इसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन रहा है 11,500 से लेके 11,600 का वॉल्यूम के साथ, प्लस एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ। तो इधर हो गया, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, सारी चीजों को अगर वापस से हटा दे, इरेज कर दे, तो फिर हमें क्या मिलेगा कि अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉ करेंगे। हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए, जब भी निफ्टी
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में वापस से जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, जब भी नीचे आता है तो निगेटिव हो जाता है। वापस ऊपर जाता है पॉजिटिव, वापस नीचे आता है तो फिर ये निगेटिव ही हो जाता है। वापस से निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी ये ट्रेंड लाइन का अगर मार्क कर लें कि पॉइंट की बात कर लें कितना पॉइंट आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का, तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे 12,000। पक्का पक्का 12,000 का ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो घूम फिर के भाई 12,000 का है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज करें तो 12,050 और 12,000 का 12,100 का बाय साइड का लेवल बन सकता है। सेल साइड की बात कर ले नीचे की साइड में, हालांकि नीचे तो शॉर्ट पोजिशन बनाना नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल जो मैंने 11,900 का कल बात हम लोगों ने किया था, आज स्टॉक ने 11,850 का लो लगाया। तो मैंने कहा था कि अगर 11,950 को अगर ये ब्रेक करे, 11,900 को अगर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करेगा तो 11,850 तक के 50 पॉइंट 100 पॉइंट के टारगेट वहां से सेल साइड में देगा। वही हुआ, फिर वहां से वो रिकवर कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से वापस से रिकवर कर गया। इसका मतलब जो सपोर्ट जोन जो हम लोगों ने कल लिखा था, अगर आपको याद है तो सपोर्ट मैंने लिखा था, कितना सपोर्ट लिखा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सपोर्ट मैंने लिखा था 11,850 से लेके 11,900 तक का, ये एक सपोर्ट मैंने लिखा था। यानी 11,900 को अगर ब्रेक करेगा तो 11,850 तक जाएगा, और 850 से रिटर्न कर गया और स्टॉक ने फिर 12,000 का हाई भी लगा दिया। तो ये एक सपोर्ट जोन है इम्पोर्टेंट, इसलिए हमें इसके नीचे, हमें इस सपोर्ट के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाना होगा। अगर हम लोग बनाएंगे भी तो 11,850 के नीचे शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करेंगे, सेल का पोजीशन, तब जाके हमें 11,700 का एक इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिल सकता है 11,700। लेकिन ये बहुत दूर की बात है अभी फिलहाल 11,750, इस पर सेल्स की तरफ दिमाग ही अभी हम लोगों को नहीं लगाना है। टोटल बाय साइड में फोकस बना कर रखेंगे, जब 12,000 ब्रेक करेगा तब, ठीक है ना, 12,000 जब ब्रेक करेगा तब। अब इसी कंडीशन में हम लोग जरा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बैंकिंग बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक के इंडेक्सेस को लगा लेते हैं। ये कर लिया हम लोगों ने प्लॉट, तो बैंक निफ्टी के साथ साथ, सॉरी, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट में काम कर रहा है। इसने मुबारक भी दूंगा कि इसने वापस से अपने उस रेजिस्टेंस लेवल को क्लेम किया दोबारा से, ठीक है ना, वापस से क्लेम कर लिया, एक अच्छा ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा है। ये स्टॉक्स भी देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। अब दिक्कत है कि इसके पास क्या दिक्कत, देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। पिछला अगर हाई इसको देखें, हम लोगों ने कितना बार इसने हाई डेवलप किया, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखें, 30,800 का एक हाई बनाया था, फिर दोबारा से बनाया 30,718 का, उसके बाद फिर इसने हाई बनाया 30,699 यानी 700 का। तो कुल मिला के 30,800, कुल मिला के क्या बात कर सकते हैं इस कंडीशन में हम लोग कि 30,800 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 30,800 का। तो हम यहाँ पे एक मार्क करना चाहेंगे, लिख देते हैं ना, लिख लूंगा तो ज्यादा अच्छा है। एक रेजिस्टेंस लेवल जो दिखेगा 30,800 का एक रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा और पक्का कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और हम लोग पक्का कर लेते हैं कि सही में है या नहीं है। अब यहाँ से वापस से क्या किया हम लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन से इस लाइन को मार्क कर दिया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है कि उसी उसी प्राइस को 30,800 को ही ये ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन को उस 30,800 का प्राइस भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लोग राउंडिंग बॉटम पैटर्न पर रेजिस्टेंस देखें तो 30,800 आ रहा है, और अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो भी रेजिस्टेंस जो है हमारा कितना आ रहा है, वो 30,800 का ही रेजिस्टेंस आ रहा है। कुल मिलाकर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 30,800 का ही आ रहा है, ठीक है, ये हो गया एक ऊपर का लेवल। अब 30,800 का लेवल हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, तो हम पोजिशन लॉन्ग का ही बनाएंगे, व्यू अभी भी हमारा लॉन्ग का ही होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब भी इसके ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव मूड में चला जाता है, ठीक है। तो अगर स्टॉक्स 30,800 के ऊपर निकलता है, क्लोज करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करता है, ठीक है, इसके वॉल्यूम को भी हम लोग चेक कर लेते हैं जरा, वॉल्यूम अभी शो इस पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम की लाइनें नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। तो अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये क्लोज करता है ऊपर में 30,800 का, तो बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो फिर पहले कितना का आएगा, कल भी हम लोगों ने लिखा था 31,000 का, 31,000 का, ये इंडेक्स का चार्ट है, मात्र 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको पता है
31,000 का टारगेट होगा और 31,400 का टारगेट होगा, है ना। ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है 30,800 का, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर इसको अप साइड में ब्रेक करता है तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो फाइनली अभी हमें टारगेट यहाँ पे दिख रहा है 31,400 का, 31,400 का एक टारगेट हमें यहाँ पे दिख रहा है 31,400 का, और उसके पहले जो दिख रहा है वो हमें 31,000 का दिख रहा है। तो यहाँ से 600-700 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी, एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ यहीं से टकरा के ये नीचे की तरफ आया था, यानी कि अगर ये स्टॉक्स निकलता है तो फिर हमें 31,400 का लेवल देखने को मिलेगा फाइनली। उसके ऊपर फिर ये 32,000 जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले वो 31,400 को अचीव करने की बात करेगा। नीचे की साइड में जब तक ये 30,000 को ब्रेक ना करे क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिए नीचे की साइड भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे की साइड आपको पोजीशन बनाना ही है तो एक सेफ जगह पे हम लोग बनाएंगे। कहाँ पे सेफ जगह है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वो है 30,000 का, ठीक है। ये जब 30,000 ब्रेक हो जाए नीचे की साइड में ना, तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे वहां से 29,500 के टारगेट के लिए और दूसरा 29,000 के टारगेट के लिए। लेकिन हालांकि ये 30,000 बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ कहीं पे आपको दिखेगा तो आज भी इसको टेस्ट करके स्टॉक भागा है, इंडेक्स भागा है ऊपर की साइड में, तो हमारे ख्याल से ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए 30,000। लेकिन मार्केट है दोस्तों, मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग दोनों साइड के लिए तैयार रहते हैं। ऊपर के लिए भी लेवल आपको बता दिया, नीचे का भी लेवल आपको बता दिया कि अगर ये नीचे 30,000 को ब्रेक करेगा तो 29,500 और 29,000 का लेवल आएगा, अप साइड के लिए 31,400 का लेवल आपको दिखा सकता है अगर ये 30,800 के ऊपर क्लोज करेगा तो। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स पर मेरा व्यू। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।